एक्सप्लोर करने वाले हैं जल्दी से मैं शॉपिंग वीडियो लाऊंगी और मैं बहुत सारे कैफे तो एक्सप्लोर कर रही हूँ आप भी कभी कभी सजेशन दे दीजिए सो देट मैं भी जाके वो जगह को एक्सप्लोर ओके गाइड ज्यादा वेट ना करा के लेट्स गो टू एक्सप्लोर सो या गाइज वी रीच डेट आवर लोकेशन एंड हियर इज द बिल्डिंग गाइज इसी बिल्डिंग के टॉप पे हमारा रेस्टोरेंट है और ये बिल्डिंग सेंट मार्क्स रोड पे है जो एम जी रोड की बहुत ही पास में है और इसी के साथ साथ इसकी ऑपोजिट में एक बहुत ही क्यूट सा फ्लावर शॉप है आप देख सकते हैं सो जल्दी से चलते हैं हमारे रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने के लिए सो आज की जो रेस्टोरेंट है ना गाइस उसकी नेम ब्रासा है एंड हियर इज द ब्रासा गाइज़ और ब्रासा के पास मिसू है दोनों ही रेस्टोरेंट अलग है और ये मिसू का एंट्री पॉइंट है और इधर सारे सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं और ब्रासा जस्ट उसकी ऑपोजिट में है सो लेट्स गो टू ब्रासा टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग गाइस या ये रही हमारी ब्रासा की इंटीरियर जो बहुत ही ज़्यादा कूल है गाइज मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि ये मेरी फेवरेट काइंड ऑफ है जैसे वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन उसके साथ लिविंग प्लांट्स की एड ऑन और ये रही सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कूल एंड एस्थेटिक है और साइड में प्लांट्स लगाए ये काइंड ऑफ मेरी फेवरेट कॉर्नर है तो मैं आते ही जस्ट अट्रैक्ट हो गई तो इधर मैंने पहला क्लिप लिया वीडियो की सो या गाइज ये रही इनकी बार एरिया जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था सो गाइज़ आई गॉट माई सीट और हमारे पास मेनू आ गई और मेनू को दिखाने का टाइम आ गया सो so, ये रही बहुत सारे मेनू तो पहला चीज़ है आपको वाइन की मिलेगी फिर आपको ड्रिंक्स भी मिलेगी बहुत सारे हैं ये सारे प्राइसेस एंड ऑल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली मुझे भी बहुत लगा <laughs> उसके बाद गाइज़ द सेकेंड मेन्यू इधर वन टू थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ आपको ड्रिंक्स मिल जाएगी उसे अप करके आप बना सकते हैं अपने तरीके से हियर इज़ द सुसी की अलग सा मेन्यू था जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और बहुत वेराइटीज़ में थी आप देख सकते हैं गाइस बहुत सारे वेराइटीज़ में अवेलेबल था ये एक पैन एशियन रेस्टोरेंट है तो आपको बहुत चाइनीज़ भी मिल जाएगी कोरियन भी मिल जाएगी और जापनीज भी मिल जाएगी और ऐसे सारे और एंड आपको ब्रेड के ऊपर जितने सारे डिफरेंट फूड वो भी मिल जाएगी और डिफरेंट ड्रिंक्स का भी और एक मेनू था गाइज बहुत बड़ी थी सो so, या yeah. सो so गाइज़ मैंने पहले ड्रिंक्स ऑर्डर किया था और ड्रिंक्स में मैंने ऑर्डर किया था पोमोग्रेनेट के जूस जो दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके टेस्ट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सेकेंड मैंने खाने पे ऑर्डर किया था ये कोरियन चिली चिकन विंग्स गाइज जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है आपको क्लोजर लुक दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन था और बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये मैं खाती हुई उसके बाद गाइज़ मैंने जो सेकेंड फूड ऑर्डर किया था वो था मेरे मतलब ट्राई करना था मुझे बहुत दिन से डम्पलिंग्स और इतनी अच्छी रेस्टोरेंट में तो ट्राई करना बनता है तो ये रही हमारी फोर पीस ऑफ डम्पलिंग्स और ये सारे कम्बिनेसन खाना आपको दिखा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ओके लास्ट में मैं फूड की रिव्यू दे दूँगी गाइस सो यू हैव टू वेट सो so गाइज़ मेरा खाना हो गया है अब हमारे जितना बाकी रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करना वो करते हैं गाइज़ ये ओवरऑल लुक है रेस्टोरेंट की जो ये मिडिल पार्ट में जो ये राउंड शेप है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके अलावा फुल इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज़ और उसी के साथ साथ हम बार एरिया जल्दी से चलते हैं बार एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और ये रही हमारी बार एरिया ये जो ऊपर सबसे अच्छा जो डिज़ाइन दिया गया है ना दैट्स द ग्रेट पार्ट एक्चुअली बहुत ही सुंदर सा लग रहा है और ये बार एरिया बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है फोटो आपकी बहुत खूबसूरत आएगी सो आपको एक बार तो आना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए सो या गाइस गाइस सो इंटीरियर तो आपको दिखा दिया और एक चीज आपको बताना चाहूंगी इफ इफ़ यू आर ए वाइन लवर तो ये प्लेस आपके लिए है इधर बहुत सारा वेराइटीज ऑफ वाइन मिल जाएगी गाइज और इसी के साथ साथ हम जल्दी से रिव्यू देने वाले हैं सो प्लीज़ स्टे विथ मी गाइज लेट्स गो टू होम हे गाइज आई एम बैक एंड थैंक यू सो मच गाइज क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर 800 हो गई और 200 मोर है जल्दी से हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे और उसके साथ साथ आज की जो कैफे की वीडियो थी आपको अच्छा लगा होगा वैसे मैं एक रियल स्टोरी आपको बता दू वैसे मैं गई थी मीशो को एक्सप्लोर करने के लिए उसके पास वाला रेस्टोरेंट जो आप ऑलरेडी देख चुके हो उसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं बट आ, मुझे लगा कि ब्रासा में ना ओपन एरिया सिटिंग अरेंजमेंट होगा तो उसके वजह से मैं ब्रासा चली गई एक्सप्लोर करने के लिए बट मेरे डिसीजन बहुत ही बढ़िया रहा ब्रासा

बट बहुत ही प्लेजेंट वाला था क्यूट भी था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खाना तो ऑलरेडी आप देख चुके हो खाना में मजा आया खाली क्वांटिटी थोड़ा कम था एनी वैसा ही रहता है और ओके गाइस आई होप मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिया और गाइस बिल्कुल भी मत भूलिए सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब मुझे करना मुझे बहुत काम आता है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ओके गाइस बाय बाय गाइज